देखिए धीरे धीरे ये राज खुलने लगे हैं कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और अमेरिका समेत नेटो बैक फुट पर है। एक तरफ पुतिन हैं जो युद्ध के बीच ही रूस के लाखों लोगों को सेना में भर्ती करवाने में कामयाब होते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की आर्मी बहुत बड़े संकट से इस वक्त जूझ रही है। जो बाइडन के लिए खतरा बेहद बड़ा है क्योंकि अमेरिका युद्ध करने से पहले ही बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। समय के दरवाजे पर तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। अमेरिका समेत नेटो के 30 देश पुतिन की ताकत के सामने धूल फांकते नजर आ रहे हैं। ऐसे निर्णायक वक्त में क्या अमेरिका की सेना का खात्मा हो जाएगा? आखिर बिना किसी हमले के ही और बिना किसी चुनौती के ही क्या वजह है कि अमेरिका की सेना धीरे धीरे दम तोड़ रही है? ये अमेरिका की वो जमीनी हालात हैं जिसकी वजह से रूस लगातार तीसरे विश्व युद्ध के लिए नेटो को उकसा रहा है। रूस यूक्रेन का दम निकाल रहा है और पोलैंड, लिथुआनिया, स्टोनिया और स्वीडन समेत तमाम अमेरिका परस्त देशों को लगातार चुनौती दे रहा है। पुतिन ने अमेरिका की कौन सी कमजोर कड़ी तलाश ली है जिसकी वजह से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है? इसके अलावा हम बात करेंगे पुतिन के उस सीक्रेट प्लान की भी जो अब ज़ेलेंस्की के लिए एक बुरा ख्वाब साबित होने जा रहा है। पुतिन के वॉर साइंटिस्ट एक लेजर गन बनाने में जुट गए हैं, एक ऐसी लेजर गन जो पलक झपकते ही सिर्फ लेजर की किरणों से ही ड्रोन को मार देगी। और आखिर क्यों इस लेजर गन को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए पुतिन अपने वैज्ञानिकों पर दबाव बना रहे हैं? साथ ही अमेरिका और इजराइल किस तरह से नई पीढ़ी के लेजर हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, जो एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। दरअसल अमेरिका के अंदर सेना की भर्ती का संकट आ गया है। अमेरिका के लोग अब सेना में भर्ती ही नहीं होना चाहते। दरअसल एक शोध के मुताबिक अमेरिका के 60% लोगों को ही अमेरिका की सेना पर भरोसा है। एक डिफेंस एक्सपर्ट मैथ्यू गॉल्ट ने एक मैगजीन में लिखा है कि जब अमेरिका युद्ध हार जाता है तो सेना पर भरोसा कम हो जाता है। मैथ्यू ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के वक्त जिस तरह की भयानक तस्वीरें आई और कई डरावनी कहानियां सामने आई, उससे अमेरिका के लोगों में एक डर बैठ गया है और ये डर इतना गहरा है कि वो सेना में जाना ही नहीं चाहते। सीरिया से लेकर इराक तक और बीते 2 सालों में अफगानिस्तान में भी जिस तरह अमेरिका की सेनाओं पर हमले हुए, अमेरिका के सैनिकों के ताबूत अमेरिका के शहरों में लौटे, अमेरिका के लोगों के अंदर ही एक दहशत बैठ गई है। अब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि कहीं यूक्रेन के मोर्चे पर उन्हें पुतिन के टैंकों का निशाना ना बनना पड़े, पुतिन की मिसाइलें, पुतिन के रॉकेट, पुतिन के युद्धपोत, पुतिन की तोपें, पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर्स और पुतिन के बम जिस तरह से यूक्रेन के अंदर कत्लेआम मचा रहे हैं, अमेरिका के लोग अंदर से हिल गए हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका की सेना में भर्ती बोनस को $50,000 तक बढ़ाने के बावजूद लोग सेना में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 2022 में अमेरिका की सेना में 19,000 लोग कम थे और 2023 में अमेरिका की सेना में 18,000 लोग कम हैं। अमेरिका दुनिया भर के कम से कम 80 देशों में लगभग 750 ठिकानों पर अपनी सेना रखता है। इस आर्मी बेस को बरकरार रखने के लिए उसे सैनिकों की जरूरत है। अमेरिका अपनी सेना पर अकूत खर्चा कर रहा है, फिर भी सैनिकों का संकट पुतिन की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। इसके अलावा पुतिन एक और हथियार से अपनी ताकत में कई गुना इजाफा करने वाले हैं। रूस ने एक लेजर गन का सफल फील्ड परीक्षण किया है
जिसने ड्रोन को आसमान में नष्ट कर दिया है। पुतिन इस ड्रोन किलर लेजर गन को जल्द से जल्द तैयार करवाना चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन हमलों से अब रूस भी परेशान हो रहा है। इस साल रूस और यूक्रेन में रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में 120 से ज्यादा ड्रोन हमले यूक्रेन कर चुका है। 3 मई को तो पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर ही हमला कर दिया गया था और रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया कि पुतिन को मारने की कोशिश की गई है, जिससे यूक्रेन इनकार करता रहा है। रूस ने आरोप लगाया कि पिछले 48 घंटे में ही 42 ड्रोनों ने क्राइमिया पर हमला किया और रूस को लगता है कि लेजर गन ड्रोन को खत्म करने का एक सस्ता उपाय है। दरअसल ये लेजर गन एक बहुत बड़ा हथियार जैसा है, जिसमें गोलियों की जगह पर लेजर बीम निकलती है और इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है जो ड्रोन को नष्ट कर देता है। लेजर वेपन की टेस्टिंग करने पर ज़ेलेंस्की का भी एक बयान आया है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले जरा ये भी देखते हैं कि कैसे अमेरिका भी लेजर वेपन पर काम कर रहा है। अमेरिका का रिसर्च डिपार्टमेंट ऐसे हथियारों को विकसित कर रहा है जो लेजर से हमला कर सकते हैं। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में लेजर गन फिट करना चाहता है। अमेरिका अपने युद्ध पोतों को भी लेजर गन से लैस करना चाहता है, क्योंकि इससे दुश्मन के हथियारों को नष्ट करना एक बेहद आसान काम हो जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने 4 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट करके लिखा था कि इसराइल ने लेजर बीम इंटरसेप्ट सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। ये दुनिया का पहला ऊर्जा पर आधारित वेपन सिस्टम है जो ड्रोन और रॉकेट को भी शूट कर सकता है। अब जरा ये वीडियो देखिए जो उस वक्त इजराइल की सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया था। लेजर बीम के लिए इस सिस्टम में कई गोलाकार चमकदार शीशे जैसी आकृतियां होती है, इन्हीं से लेजर बीम की ऊर्जा निकलती है। मिसाइल के नजदीक आते ही ये पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस लेजर सिस्टम की आंखें दुश्मन के हथियार को स्कैन करके नष्ट कर देती हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री और सैन्य विकास के प्रभारी यूरी बोरिसोव ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि रूस ने अपने लेजर वेपन से एक ड्रोन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया। विमानों से यात्रा करने वाले हजारों लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम